कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। दरअसल उन्होंने गुरुवार को संसदीय दल की बैठक में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में बेशर्म प्रयास किया, फायदे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नरेंद्र मोदी के दोस्तों को बेचा जा रहा है। भारत के राजनीतिक नेताओं को जम्मू और कश्मीर में जाने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन कुछ यूरोपीय सांसद को वहां जाने दिया गया। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शर्मनाक कृत्य था। मोदी सरकार मौलिक अधिकारों को छीन रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से सियासी ड्रामा चल रहा था, जिसके बाद कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को विधायक दल का नेता चुन लिया, लेकिन इसके बाद भी विवादित बयानों का दौर जारी है। दूसरी ओर बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि 100 सीटों वाला गठबंधन 56 सीट वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद दे रहा है, ये खरीद फरोख्त नहीं तो और क्या है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पद का लालच देकर समर्थन लेना खरीद फरोख्त नहीं तो और क्या है। अमित शाह ने आगे कहा कि वे शरद पवार और सोनिया गांधी से कहना चाहते हैं कि वे एक बार ये बोलकर देखें कि मुख्यमंत्री उनका होगा और फिर शिवसेना का समर्थन लेकर दिखाएं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।